एक सवाल आया है कुलदीप सर, क्योंकि आपसे बार बार ये सवाल और बार बार लगातार पूछा जाएगा आपसे, अगर हम सेविंग ना करें, लोग नौकरी से रिटायर होने के बाद, नौकरी छूट जाने के बाद, कोई सोशल सिक्योरिटी ना होने की स्थिति में क्या करें? बहुत सारे लोग अपने बुढ़ापे के लिए सेविंग करते हैं, आप बताएं। देखिए, जो सेविंग का जो एक इंसेंटिव होता था पहले कि आप अपना सेविंग करिए तो आपको जो टैक्स छूट मिलेगी उसके ऊपर आप टैक्स पे करेंगे। अब सरकार ने क्या किया है कि चाहे आप सेव करें चाहे आप सेव नहीं करें, तो आपको थोड़ा टैक्स, उन्होंने थोड़ी राहत दे दी है, ताकि आपको इंसेंटिव है कि आपके लिए सेविंग करना जरूरी नहीं है। केवल टैक्स के लिए आप सेविंग नहीं करेंगे, लेकिन अपनी सोशल सिक्योरिटी के लिए आप अपनी सेविंग तभी भी करेंगे। इसका सिंपल सा ये है, आप मतलब इसको तो ऐसे समझिए। एक दूसरा जो हम पहले डिस्कशन नहीं, कर रहे दूसरा थे, एक और सर माफी चाहता हूँ, एक और कंफ्यूजन है। एक तरफ कहा जा रहा है कि पर्सनल इनकम टैक्स 7 लाख तक एग्जेम्प्टेड है, तो दूसरी तरफ ये स्लैब क्या है? तो ये जो स्लैब है, जिसकी इनकम 7 लाख से ज्यादा है या उससे भी ज्यादा है, तो उनको इस स्लैब से नए टैक्स रिजीम में टैक्स कैलकुलेट होगा। अगर मान लीजिए आपकी इनकम 7 लाख तक की है, तो 7 लाख ठीक है, तो आपको सेक्शन 87A, जो कि पहले 12,500 थी, उसकी लिमिट 25,000 कर दी है। तो आप 7 लाख का अगर अपना टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, वो 25,000 बनता है, तो आपको 87A की जो रिबेट 25,000 की मिलेगी, तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी जीरो हो जाएगी। तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, प्रोवाइडेड आपकी इनकम 7 लाख से नीचे होनी चाहिए, ना कि 7,10,000। और एक एक जो अमीर लोगों का टैक्स, उस पे आप कुछ कहना चाह रहे थे, उस पे मैं एक एक क्लैरिफिकेशन आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर ये एग्जेम्पशन बढ़ा है 12 से 25, तो ये नए रिजीम में कैसे बढ़ा? क्योंकि नए रिजीम में तो कोई एग्जेम्पशन है ही नहीं। नहीं, उन्होंने एग्जेम्पशन नहीं बढ़ाया, उन्होंने स्टैंडर्ड डिडक्शन को अलाउ कर दिया जस्ट पहले, क्योंकि नए रिजीम में कोई डिडक्शन नहीं मिलता। 2.5 लाख था, मुझे ये समझ में आ रहा है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन 2.5 लाख था, अब वो 3 लाख हो गया। नहीं, वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट था। हाँ, वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट था, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 था पहले भी। पहले 50,000 था, वो सैलरी से, वो सेक्शन 16 में कम हो जाता है। हाँ, तो अब 2.5 लाख से 3 लाख हुआ है या 2.5 लाख से वो 50, वो जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, पहले जो स्लैब थी जो 2.5 लाख से 5 लाख थी, अब वो 2.5 लाख से 3 लाख तक बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ गई, और 3 से 6 लाख तक 5%, वैसे उन्होंने स्लैब 5 कर दिए। तो मैं जो नए टैक्स की जो आपने जो हम एक चर्चा कर रहे थे कि अमीरों को ज्यादा बेनिफिट हुआ है, देखिए उसका भारत को काफी नुकसान भी हुआ है। अच्छा। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा हाईएस्ट टैक्स रेट जो 42.74 है, वो शायद काफी अमेरिका से भी, उनसे भी ज्यादा है। उसका नुकसान ये हो रहा था कि जो लोग भारत में काम करते हैं, ये अमीर लोग यहां से सिंगापुर, दुबई या ऐसे वाली जगह पे शिफ्ट होते जा रहे थे, जिसकी वजह से आपको उनको वहां पे टैक्स नहीं लगता है, कम लगता है। तो उसको रोकने के लिए उन्होंने टैक्स को ऐसे रेशनलाइज करने की कोशिश करी है। उन्होंने टैक्स की वजह से छोड़ा? हाँ, टैक्स की वजह से। काफी लोग ये सवाल जो है, अभी इसका जवाब नहीं है। अगर आप समझ रहे हैं कि टैक्स की वजह से छोड़ा ना, तो हम शायद गलती कर रहे हैं। और वजूहत, आप टैक्स भी कम कर देंगे और लोग जाएंगे भी। नहीं, मैं नहीं मानता कि अभी भी टैक्स इतना कम हो गया, 39% है, लेकिन आप पिछले तीन सालों का डाटा देखेंगे, काफी इंडियन यहाँ से बाहर गए, लेकिन वो टैक्स की वजह से नहीं गए सर, उनमें से कुछ गए होंगे टैक्स की वजह। ये भारत सरकार के पास पूरा टेक्नोलॉजी का डाटा, उनको सब देखने क्या हो रहा है। असली में मैं थोड़ी सी क्लैरिटी लाना चाहता हूँ, क्योंकि प्रवीण जी और खान साहब का जो एजेंडा रहता है उस पर पूरा फोकस कर रहे हैं कि ये जो बड़े हैं इनको बहुत रियायत दे दी गई। इनको 3.6% सिर्फ टैक्स की कमी दी गई है, 3.6, क्योंकि ये क्यों नहीं, क्योंकि ये वर्ल्ड ओवर कहीं पे भी इतना नहीं है, उसलिए दी गई है। वर्ल्ड की पैलरिटी पे है, बाहर की कंट्री में भी अगर कोई बहुत अमीर आदमी और इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता तो नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा है। क्यों ये तो आप ही ने एक आपको क्लैरिटी दूं सर, एक मिनट मेरी बात को खत्म होने दीजिए। ये मैं आपको बताऊं, पहले अगर एक आदमी 7 लाख रुपए की कमाई करता था तो वो 30,000 रुपए टैक्स पे करता था, अब जीरो पे कर रहा है, 100% का फायदा है। उसके बाद में अगर कोई आदमी 10 लाख की कमाई करता था तो उसको 72,000 रुपए की कमाई टैक्स देना पड़ता, जो 25,000 रुपए है, तो उस आदमी को करीब 65% का फायदा है। उसके बाद में जो 15 लाख की कमाई करता था उसको भी 35% का फायदा है। माने कोई भी आदमी को, सभी को बहुत बड़ी फायदा मिला है। और जो इन लोगों का रोना है, 3% जो सुपर रिच को दे दिया, उस पर ये लोग परेशान हो रहे हैं और वो उसको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि गलत है। ना बरगलाए, जैसे 7 लाख को आपने बोला टैक्स नहीं है, फिर ये 3 से 6% पे 5% टैक्स है, ये क्या है फिर? नहीं देखिए, जो जब आपके टैक्स की गणना की जाती है, आपकी इनकम मान लीजिए 7 लाख है, तो 7 लाख गणना ऐसे होगी, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं,
और उसके बाद इस स्लैब के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करेंगे। हाँ, 3 से 6 पे है 5%, तो वो बनेगा आपका 15,000, ठीक है। और 6 से 7 बजे तक है 10%, वो बनेगा 10,000, टोटल कितना हो गया 25,000। तो एक रिबेट मिलती है सेक्शन 87A में, तो आप उसके एग्जम्पशन 87 में एक क्लेम करेंगे, आपके टैक्स लायबिलिटी जीरो हो जाएगी, जाएगी। आपका टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा एग्जम्पशन मतलब के बाद जीरो, आपका इतना टैक्स बनता है लेकिन रिबेट ले करके वो जीरो, जीरो हो जाएगा। यहाँ आते ही वो 7 लाख तक जीरो की गणित। मुझे बताया जा रहा है देवेंद्र शर्मा है हमारे साथ, यदि हम वहां पर जाना चाहें। बिल्कुल, देवेंद्र शर्मा जी है हमारे साथ। अच्छा, वापस चलेंगे क्योंकि किसानों की बड़ी उम्मीदें थी। हाँ, उम्मीद तो हर किसी को थी, इस बजट उम्मीदों का बजट था, तो किसकी उम्मीद पूरी हुई। संकेत ये भी दिखा देते हैं, ये जो शराब क्या क्या महंगा हुआ है, क्या सस्ता हुआ है, ग्राफिक्स बड़े अच्छे बने हुए हैं। हाँ, तो स्क्रीन पर दिखा देते हैं। टीवी अगर आप खरीदना चाहें तो खरीद लीजिए, सस्ते हुए टीवी और मोबाइल। कोई बढ़िया सा 15 इंच चिमनी मत खरीदिए, चिमनी मत खरीदेगा, सिगरेट बिल्कुल मत पीजिएगा, शराब त्याग दीजिए। महंगी हुई है। हाँ? तीन साल बाद सिगरेट महंगी हुई। हाँ, ये एक जरूरी बात। हाँ, और कपड़ा सस्ता हो गया, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है वो उस पे छूट बरकरार है। बहुत बड़ी बात है, छूट बरकरार है और ये बहुत बड़ी बात है। ईवी सेक्टर खासतौर से आपका जो ऑटोमोबाइल सेक्टर था उसमें ईवी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कुछ उनके हक्का हो जाए। कुछ जब बजट अब जब आता है, जब जीएसटी रेजिम लागू हो चुकी है, तो क्या महंगा क्या सस्ता, अब इसमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी लोगों की रहती नहीं, क्योंकि इसमें ज्यादा कोई इस तरह की तस्वीर मिलती नहीं है। ईवी वाली बात कर ले, नहीं तो वो रह जाएगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए आपको क्या लगता है कि इस बजट में क्या था? कोई फर्क नहीं, उसके अडेप्टेबिलिटी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ा। ये नहीं हुआ कि वो टैक्स रेट वापस चली गई, तो अभी एक साल और ईवी वहीं रहेंगी जहां थी पहले, वरना महंगी हो जाती। ईवी को जो फायदा दिया गया वो पूरी तरह से कंटिन्यू किया गया, पूरी तरह से कंटिन्यू किया गया कि लोग इलेक्ट्रिक की तरफ जाएं, उसके लिए लोग जा भी रहे हैं। पिछले एक साल लिथियम आयन जो बैटरी उसी वजह से वो भी कम हुए मोबाइल फोन, और उसी वजह से देखिए मैं आज आपको एक चीज बताऊं, मोबाइल फोन की इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग ट्रेमेंडसली बढ़ी है, जो कहीं के माने एक अगर हम टोटल डाटा देखें तो 5-6 करोड़ होते तो 31 करोड़ होने लग गए। ये भारत का मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है मोबाइल के लिए, उसमें उनके पार्ट्स को सस्ता हमको चाहिए भारत में, ये एक चीज है। जैसा चिमनी का इन्होंने कहा कि चिमनी के रेट बढ़ गए, चिमनी के रेट नहीं बढ़े, भारत में बनी हुई चिमनी के रेट नहीं बढ़े, पर आप बाहर की को थोड़ा सा डिमोरलाइज करना है, इंडियन चिमनी उनसे कम्पीट कर पाए, इसलिए करा जा रहा है। हम मेक इन इंडिया और भारत के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए पूरी वर्किंग कर रहे हैं, चाहे वो डिफेंस हो चाहे हर सेक्टर में। अच्छा सर, एक सवाल ये कि हीरे के गहने जो सीड जो वैसा है वो तो सस्ता हो गया, लेकिन सोना आयातित सोना चांदी का सामान प्लैटिनम ये सब महंगा हो गया। हीरे को अलग कर दिया, सोना चांदी प्लैटिनम को अलग कर दिया, ये क्यों, कैसे समझे? हीरे को जो आपने कहा है वो हीरा दूसरा जो इंडिया के अंदर में लैब टेस्टेड लैब ग्रोन जो हीरा है वो अब बाहर एक्सपोर्ट बहुत हो रहा है इंडिया से, तो हम उसको और मोटिवेट करेंगे। इंडिया की एक्सपोर्ट को हमको बढ़ाना है, क्योंकि हमारे तेल का जो आयात बहुत ज्यादा है उसको हमको कंट्रोल करने के लिए, उसको हमको पैरिटी लाने के लिए, करंट जो अकाउंट डेफिसिट होता है उसको मैनेज करने के लिए हमको बाहर कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट बढ़ा रही है गवर्नमेंट। ये भी एक एरिया है जिसका अच्छी पहल है, ये अच्छी पहले। लेकिन जो सोने चांदी में जो छोटे ज्वेलर्स लगे रहते हैं, चांदी के बहुत छोटी छोटी दुकानें ज्वेलर्स की रहती हैं, तो यहाँ पर उन पर तो इसका विपरीत ही असर पड़ेगा ना? नहीं देखिए, सोना तो नॉर्मली हर समय ही हम थोड़े डिमोरलाइज करते हैं, क्योंकि सोना बहुत ज्यादा रख लिया जाता है, जो अगर हम इंडिया में आयात होता बहुत ज्यादा रख लिया जाता है, तो उस चीज के लिए एक लिमिट इसलिए। देखिए सोने का ये है, सोना हम थोड़ा सा सोना रखते हैं घर में, ज्यादा सोना हमारा एक्सपोर्ट होता है, तो जब भी सोने की वैल्यू बढ़ती है या प्राइस बढ़ती है तो एक्सपोर्ट गिरता है। ये पिछले 4-5 साल से हमने देखा, जब भी एक्सपोर्ट को या इंपोर्ट को आपने महंगा किया, एक्सपोर्ट गिर गया, और वही इस बार भी होगा कि डोमेस्टिकली भी महंगे हो जाएंगे और एक्सपोर्ट पे भी फर्क पड़ेगा। आयातित चांदी और सोना महंगा है, आयातित जो वहां से बाहर से आ रहा है वो सोना चांदी महंगा होगा, उसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट सफर करते हैं क्योंकि वो भी महंगे हो जाएंगे। अच्छा एक चीज पर, और एनर्जी ट्रांजिशन और नेट जीरो डायरेक्टिव 35,000 करोड़, इसको बताएंगे जरा। ये अच्छी चीज है, ये जो बेसिकली कैसे हम फॉसिल फ्यूल से जो क्लीनर फ्यूल्स हैं उस पर कैसे शिफ्ट करें। देखिए लेकिन इसमें डिस्कोर्स जो है वो भी बड़ा लिमिटेड इसलिए हो जाता है कि हम सिर्फ कार्बन एमिशन की बात कर रहे हैं,
दूसरे किस्म के जो रेडिएशंस हैं जिनका जो पर्यावरण पे बहुत असर पड़ता है वो इस चर्चा में बहुत कम आ पाता है। लेकिन चूंकि कार्बन वाली जो समस्या है और उसकी वजह से जो क्लाइमेट चेंज और वोलेटिलिटी जो मतलब पूरा एग्रीकल्चर और हर तरीके से बाढ़ आना ये सब जो होता है उस दिशा में इस पे जो है एक अच्छा कदम इसको माना जा सकता है, लेकिन उसको फिर वही समग्रता से लेके उस पे जो होना चाहिए उस पे बहस होनी चाहिए। एक और चीज जो सर आम जनता के लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एआई इंटेलिजेंस की बात कही गई है कि लैब्स बनाएंगे, ये क्या चीज होता है, लोग को कैसे बताएंगे? क्योंकि अब ऐसा है कि इसको फोर्थ इंडस्ट्री लोग बोलते हैं, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोलते हैं, ये तो होना ही होना है। जैसे एक अर्थव्यवस्था में जो चेंजेस आते हैं अब उसमें आप पीछे न चले जाएं, उस दौड़ में आप पीछे न रह जाएं, इसलिए बहुत जरूरी है कि उन चीजों पे तवज्जो दिया जाए। और अगर आप देखें एक तरीके से जो है हम 80s में तक आते आते जो हमारा आईटी सेक्टर जो था एक्चुअली उसका बहुत जबरदस्त फोकस हार्डवेयर पे था। अनफॉर्चुनेटली वो छोटे छोटे गेंस के चक्कर में हम सॉफ्टवेयर में चले गए। जो एक विकास होना चाहिए था, एक समग्र विकास जो होना चाहिए था उस सेक्टर का, वो हो नहीं पाया। यही चीज जो है 90s में होती रही, 2000s में होती रही। तो हम जो है कहीं ना कहीं जो एक लीड हमें मिला था वो हम उस हाँ तो वो उसका हमने हमारा नुकसान हुआ। जी, सर हमको सॉफ्टवेयर पे जाना ही पड़ेगा। अगर आप गूगल को देख ले, फेसबुक को देख ले, माइक्रोसॉफ्ट को देख ले, ये सब सॉफ्टवेयर और एप्स हैं। आज अगर उबर ओला के पास गाड़ी नहीं है, सिर्फ एक ऐप से कमाई कर रही है। आज अगर ओयो के पास में होटल नहीं है तो ऐप से कमाई कर रही है। तो ये जो ऐप है इसको बूस्ट करेंगे तो हम इन चीजों को कम्पीट कर पाएंगे वर्ल्ड ओवर। वो लोगों की बहुत बड़ी डेवलप कंट्री का अगर आप देख लो उनकी बहुत बड़ी ताकत है ये, और उसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। कि हार्डवेयर पर हम लोग फोकस कर रहे थे, हम लोग सॉफ्टवेयर पर चले गए, हमें हार्डवेयर पर फोकस छोड़ना नहीं चाहिए था। क्योंकि अभी हालत हो रही है, अभी हालत हो रही है, बढ़ाना बहुत जरूरी है। चिप बनाने के लिए हम लोगों को बुला रहे हैं बाहर से कि आइए सेमीकंडक्टर चिप यहाँ पर बनाइए, यहीं पे पीएलआई दे रहे हैं। तो उस बारे में जिक्र करें कि हमें हार्डवेयर पर भी उतना ही फोकस करना चाहिए था। सर हार्डवेयर पे तो पूरी तरह फोकस चाहिए। सेमीकंडक्टर चिप के लिए आज हमने मोटिवेट पीएलआई जो स्टार्ट किया, ये सारी चीजें।